बचपन से हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि वो काम करते हैं, वो अपने काम पे मन लगाए, काम पे ही ध्यान है। हम लोग जाएंगे, अगर बोलेंगे पापा खाना खा लीजिए, बोलेंगे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा तो खा लेंगे। पूरा दिन निकल जाएगा, वो काम पे ही लगे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, बस चाय के अलावा। तो मैं बचपन से जब से होश संभाला हूँ तब से मैं काम कर रहा हूँ। ये मतलब ये मान लीजिए 14 साल का था मैं, 12 साल का, तो मतलब मैं जी जान से और लगन से इस लाइन में घुसा करता था और आज कर रहा हूँ। मतलब हमारा परिवार इसी से चलता है कि मिलाकर खेती बाड़ी तो मेरे पास है नहीं और रहता हूँ किराए मकान में, सब पूरा परिवार मेरा इसी से चलता है। काम करते करते शाम को नाइट में जैसे घर आया मैं तो ओवर टाइम मैं क्या करूँ, मैं बैठे रहा ही नहीं पड़ती मेरे को, तो मतलब कुछ सौ पीस बनाया करता हूँ। ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती है लेकिन घर चलाने के लिए काफ़ी इनकम हो जाती है, तो वही सब पैसा कुछ घर में भी हो गया। अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, सब बच्चों के लिए घर में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, देते हैं तो सब पढ़ाई में लगा देते हैं, कहीं घर खर्च में लगा देते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं कि मतलब कुछ खरीद ले। तो हमारा जो बड़ा पुत्र है सूरज, हमने कहा सूरज तुम मोबाइल से बेटा तुम इंटरनेट में क्या है देखिएगा कि मोटरसाइकिल अच्छे से अच्छी मोटरसाइकिल हो, तो एक मॉडल है मेरे पास वो पसंद आया। मैं चक्के बनाया पहले इसके गाड़ी के, चक्के बनाया फिर फ्रेम बनाया, बनाते बनाते 3 महीना लगा मेरे को बनाने में। तो हमारी बिटिया वो पढ़ रही है, उसने बोला कि नहीं पापा जी नरेंद्र मोदी श्री हमारे प्रधानमंत्री जो है उनको दीजिए आप ये बाइक घर के लिए, मोदी जी से मिल गया है तो सम्मानित किया मेरे को, धन्यवाद दिया कि आपने रीवा जिले का नाम रोशन किया है। तो मैंने कहा मैं किया क्या है, मैं तो छोटा सा तो मोटरसाइकिल दिया हूँ मोदी जी को बस। अभी मैं ये देखता हूँ कि समय बहुत तरक्की कर रहा है, मतलब देश आगे जा रहा है, अब मैं हाथ से ही काम कर रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मशीन ले लिया ही, और जब से मशीन लिया हूँ तो बहुत अच्छा कि मेहनत कम लगती है, आमदनी भी अच्छी होती है, समय की बचत हो जाती है। तो ऐसे ही मैं एक छोटा सा हूँ तो अपने सोचता रहता हूँ छोटे मोटे काम के लिए ऐसा है।